प्यारे बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी, कोण एडीसी यानी कि ये वाला कोण बराबर है कोण बीएसी, बीएसी इस पूरे कोण के बराबर है। ये हमारा जो कोण है इस पूरे कोण के बराबर है। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर है सी बी गुना में सी डी, तो ये हमें सिद्ध करना है। अब आप देखेंगे कि हमें दिया गया है त्रिभुज एबीसी पर डी इस प्रकार से स्थित है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी। हमें सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर है सी बी इंटू सी डी यानी कि सी बी और सी डी की गुना के बराबर है, यानी कि जो अनुपात होता है ना अनुपात का को आर पार गुना कर रखिए तब ये रिजल्ट बन रहा है। अब आप देखिए इसका प्रूफ देखिए, अब आप देखिए कि त्रिभुज एक तो मैं त्रिभुज ले रहा हूं ये बड़े वाले एबीसी, एबीसी और त्रिभुज एक मैं त्रिभुज ले रहा हूं छोटे वाले एडीसी में। अब आप देखेंगे कि एबीसी ये पूरी त्रिभुज कौन सी आ गए और एडीसी, एडीसी इसमें भी कौन सी आ गया, तो कौन सी दोनों में आ गया, तो कौन सी बराबर है कौन सी कैसा उभयनिष्ठ कोण दोनों में। दूसरी बात हमारे पास बड़ी बड़ी त्रिभुज में कोण बीएसी, कोण बीएसी बराबर है छोटे बड़े त्रिभुज का कौन सा कोण एडीसी के, कोण एडीसी ये बराबर है। ये कैसे आया दिया है, अब दो कोण बराबर हो गए, एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरी त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो गए तो क्या लिखेंगे कि कोण कोण समरूपता नियम के अनुसार थोड़ा मैच कर ले कि मैच हो रहा है कि नहीं। हमारा सी कोण, सी कोण के बराबर है तो ये सी हमने पीछे लगा दिया और हमारा ए कोण डी के बराबर है, डी यहां पे आ रहा है डी तो हमें ये क्या लिखना पड़ेगा, हमें इसको लिखना पड़ेगा बी ए सी, तो त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज ए डी सी में। अब देखो सी कोण सी के कोण के बराबर है और हमारा बड़ी त्रिभुज का ए और छोटी त्रिभुज का डी कोण, बड़े त्रिभुज का तो ए और छोटी त्रिभुज का डी, बड़े त्रिभुज का ए और छोटी का डी ये हमारे पास बराबर है तो अपने आप बड़ी त्रिभुज का बी कोण और छोटी त्रिभुज का ए कोण अपने आप ही बराबर हो जाएंगे तो ये बन गया हमारे पास। अब भुजाएं समानुपात में होगी यानी कि हम क्या लिख सकते हैं त्रिभुज बी ए सी समरूप है त्रिभुज ए डी सी के, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि बी ए, बी ए बटे में ए डी बराबर है ए सी, बी ए बटे में ए डी, ए सी बटे में बी सी बराबर है बी सी बटे में ए सी। अब इसमें से वो दो सेट लेने जो हमें चाहिए, देखो ए सी का स्क्वायर है। अब आप अगर इस पार्ट में आर पार गुना कर दे, आर पार गुना कर दिया हमने क्या बन गया ए सी गुना में ए सी, और यहां पे क्या आ गया हमारे पास बी सी तो पहले ही था और गुना क्या हो गया डी सी। अब इसको ठीक करके लिख दे ये ए सी स्क्वायर हो गया बी सी, देखो सी बी है तो सी बी बी सी एक बार है इसको सी बी लिख दो इंटू डी सी, या सी बी एक बात है सी डी लिख दो।
अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें एक समस्या है कि अगर आपने इसको बी ए सी की जगह ए बी सी लिखा तो फिर ऐसा इस समस्या पे पहुंचने में दिक्कत आएगी। तो आप जो जो इसकी सीरीज है उस सीरीज को मत चेंज करो, उसको उसी तरह से रहने दो। उसमें जो क्रम है, जिसका जो क्रम है, जिस नियम से वो समरूप है, उसको उसी क्रम में लिखें, तब जाके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारा हम आंसर तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13।